नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। बेबी स्वेटर के फर्स्ट पार्ट में हमने बॉर्डर बनाया और सेकेंड पार्ट में हम इस डिजाइन को सेट करेंगे और घेरे को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। सिलाई में 123 फंदे हैं और ये कोण 19 फंदे का है, तो 123 में से अगर हम 19 निकालते हैं तो बचता है 104, यानी 52 फंदा इस साइड में और 52 फंदा इस साइड में। तो मैं 50 फंदे सीधे बुन के आपको दिखाती हूँ। तो हम 50 फंदा सीधा बुनेंगे। तो 50 फंदा सीधा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 50 फंदे सीधे बुन लिए। अब हम दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे और यहाँ से हमारा ये कोण शुरू होगा। तो उन अपनी ओर करके दो फंदा सीधा, अब उन अपनी ओर करेंगे छह फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर छह फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 और 6, छह फंदा उल्टा बुनने के बाद उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा। तो ये हमारे डिजाइन हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, 1 और 2, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे। ये देखिए उन हमारी तरफ है, यानी जाली देते हुए बैक लूप से हम इन्हें दो का एक कर लेंगे। अब शेष फंदे हम सीधा बुन लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं और सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। हर रॉन्ग साइड में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। अब हम फिर राइट साइड में हैं, तो 50 फंदे सीधा बुन के फिर हम डिजाइन के पास आते हैं। तो 50 फंदा सीधा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 50 फंदे सीधे, अब हम इस जाली को और उसके आगे वाले फंदे को, यानी इन दोनों फंदों को हम फ्रंट साइड से सीधा बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे। तो हमने दो फंदों को एक किया, अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, दो फंदा सीधा बुनने के बाद उन अपनी ओर करेंगे। पिछली बार हमने छह फंदे उल्टे बुने थे, अब की पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक, फिर पांच फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर उन दूसरी ओर दो फंदा सीधा, अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, जाली को और नेक्स्ट फंदे को, दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से हम पीछे की तरफ से इसे सीधा बुनेंगे। ऊन हमारी तरफ है, यानी जाली देखते हुए सीधा। शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो 50 फंदे सीधा बुनते हुए फिर मैं डिजाइन के पास आ गई हूँ। तो दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे फ्रंट लूप से। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा जाली देते हुए सीधा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने पहली लाइन में छह फंदे उल्टे बुने थे, फिर तीन फंदे का एक किया था, उसके बाद पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे का एक। अब इस लाइन में चार फंदे उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे तीन का एक करने से हर लाइन में एक एक फंदे घटते जा रहे हैं, तो इस लाइन में तीन का
तीन फंदे उल्टे बुने जाएंगे, यानी हर सीधी लाइन में यहाँ पे एक एक फंदे घट रहे हैं। यहाँ पे चार फंदे उल्टे बुने जाएंगे, यानी हर सीधी लाइन में यहाँ पे देखिए तीन फंदे का एक करेंगे, यानी एक फंदा दोनों साइड से एक एक फंदे घट गए। हर सीधी लाइन में दो फंदे घटेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये घटते घटते देखिए छः पाँच चार हुआ है, फिर तीन दो एक हो जाएगा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हर सीधी लाइन में दोनों साइड से एक एक फंदा घटते हुए ये देखिए छः पाँच चार तीन दो और एक हो गया है, यानी अब यहाँ पे बीच में सिर्फ तीन फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम इन तीनों को भी एक साथ लेते हुए तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, और यहाँ पे हमारा ये सातवां जाली पड़ रहा है, यानी ये यहाँ से ये तेरहवा लाइन चल रहा है। अब उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे जाली देते हुए। शेष सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हमारा एक डिजाइन क्लोज हुआ है, अब यहाँ पे दूसरा डिजाइन शुरू होगा। तो 19 लाइन का ये डिजाइन है, और जाली बनाने के लिए हमने दो फंदे इस साइड से और दो फंदे इस साइड से लिए, यानी 23 फंदे कुल हुए। तो ये अगर सेंटर फंदा है, देखिए इस पर हमने तीन फंदे का एक किया है, ये अगर सेंटर फंदा है तो देखिए ये हमारा सेंटर फंदा है, यानी इसके इस साइड पे इसके राइट हैंड साइड में हमें 11 फंदे चाहिए और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें 11 फंदे चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम नया डिजाइन शुरू करेंगे, यहाँ पे जैसे ये डिजाइन क्लोज हुआ और अब हमें नया डिजाइन शुरू करना है, तो जब भी हम नया डिजाइन शुरू करेंगे तो ये बीच वाला फंदा 12वां फंदा होगा। तो हमें इसके दाहिने साइड में 11 फंदे गिनने होंगे। तो देखिए ये 12वां है, तो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो हमारे पास सेंटर फंदे के इस साइड में 11 फंदे हैं। तो अब हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे छह फंदा उल्टा, दो तीन चार पाँच और छः, छः फंदा उल्टा। उसके बाद तीन फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर फंदा हो गया। अब इसके दूसरे साइड भी छः फंदा उल्टा रहेगा, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा, अब उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे। उसके पहले हमारा उन हमारी तरफ है, यानी जाली देते हुए सीधा, और शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब यहाँ से हमारा नया डिजाइन शुरू हो गया है, तो फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, और फिर उन अपनी ओर जाली देते हुए दो फंदा सीधा। तो पिछली लाइन में यहाँ पे हमने छह फंदे उल्टे बुने थे। अब फिर हमें तीन फंदे का एक करना है सेंटर में, यानी कि एक फंदा घट जाएगा और अब हो जाएगा पांच फंदे उल्टे। तो हर सीधी लाइन में हमारे दो फंदे घट रहे हैं।
तो हर सीधी लाइन में हमारे दो फंदे घट रहे हैं। यहाँ हमारा पहला डिजाइन कंप्लीट हुआ है और यहाँ से दूसरा डिजाइन शुरू हो गया है। तो ऐसे ही हमें छह डिजाइन कंप्लीट करना होगा। तो छह डिजाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने छह फूल कंप्लीट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक फूल में 7 जालियां बन रही हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने 7 जालियां बना ली हैं। छठे फूल की 7 जालियां कंप्लीट हो गई हैं और हम देखिए लाइन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हमने 13वां लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि हम इसमें इसको ऐसे पीछे करेंगे और इसमें हम 19 फंदे बनाएंगे। ऐसे उंगली पे लपेटेंगे और चढ़ा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो हमने यहाँ 19 फंदे बना लिए। अब हम फ्रॉक के दूसरे पार्ट को लेंगे। देखिए दूसरे पार्ट का भी ये छठा डिजाइन है और छठे डिजाइन में हमने 6 जालियां बनाई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 12 लाइन कंप्लीट हुआ है और अब इसमें 13वां लाइन बनाया जाएगा। तो ये हमारा ये एक पल्ला है। इसके बाद हमने 19 फंदे बढ़ाए और अब इन दोनों को हम बांध देंगे। और अब हम इस दूसरे पल्ले को भी साथ साथ ले लेंगे और दूसरे पल्ले का ये 13वां लाइन है। अब ये हमारा 13वां लाइन है। अब हम ये देखिए हमारा ये एक पल्ला ये हुआ आस्तीन, ये दूसरा पल्ला। अब हमको यहाँ पे 19 फंदे बढ़ाने होंगे। तो हम ऐसे उंगली पे लपेटेंगे और 19 फंदे बना लेंगे। 19 फंदे डाल लिए। अब देखिए नीचे हमने 123 फंदे डाले थे और 6 फूल बना हुआ है। एक फूल में देखिए 7 जाली इस साइड में है, 7 जाली इस साइड में है। प्रत्येक फूल में 14 फंदे कम हो रहे हैं। तो हमारा 6 फूल है तो 84 फंदे कम हो गए। 14 × 6 = 84 फंदे कम हो गए। तो बचे 39, यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे 39 फंदे हैं और 13वें लाइन में छठे फूल के 13वें लाइन में हमने दोनों पल्लों को जोड़ लिया है। दोनों पल्लों के बीच में 19 फंदे ये आस्तीन के लिए हैं और ये देखिए इधर भी हमने 19 फंदे बना लिए हैं। अब हम इसे
बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें सर्कुलर नीडल में कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को जोड़ना है। तो हमने 13वां लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब ये 14वां लाइन है, यानी हमें सिर्फ फंदों को सीधा सीधा बुनना है, ना एक भी फंदे को बढ़ाना है ना घटाना है, सिर्फ सभी फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस लाइन को बुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो यदि प्रॉब्लम हो तो इन फंदों को ऐसे थोड़ा सा ढीला करके आप बुन लीजिए। सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है, थोड़ा सा ऐसा ढीला कीजिए, उसके बाद सीधा बुन लीजिए। लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 14वां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, हम यहाँ से शुरू किए थे बुनना और वापस घूमते हुए यहीं आ गए हैं। इस समय सिलाई पे फ्रंट साइड में 39 फंदे हैं, बैक में भी 39 फंदे हैं, और दोनों ये आस्तीन पर 19 फंदे हैं, यानी टोटल हुए 116 फंदे। और इसके साथ ही सेकेंड पार्ट समाप्त होता है। तो फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।